कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे काम करती, ऐसे पूरा काम कर रही हो। अरे दीदी आइए ना बैठ के, क्या कर रही हो? माँ तो ये मेरी माँ ने दिया है, मेरी माँ की आखिरी निशानी है, इसे मैं बहुत ही संभाल के रख रही हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, अच्छी जमती है मामी। वाह कहाँ रखी थी छुपा दी इतनी दिनों से, मैं आपके माँ की नहीं चाहती है। मेरी भाभी मुझे दे दो ना, मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। अपने फ्रेंड लोग को दिखा दूँ, प्लीज मुझे दे दीजिएगा। ये मैं आपको नहीं दे सकती, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। आप चाहे तो दूसरा ले लीजिए, ये बहुत ही अच्छा है, प्यारा है, आप दूसरा ले लीजिए, लेकिन ये मेरी माँ की निशानी। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मैं आपको नहीं दे सकती। बुरा मानिए, आपको चाहिए तो ये ले लीजिए। ये वाली नहीं चाहिए, ये मुझे पसंद नहीं है ना, ये आपको नहीं करूँगी, खा लूँगी क्या? मैं फिर वापस आपको कर दूँगी। कितनी भी क्या इसमें लगी हुई है जाऊँगी, जो आपको माँ की निशानी है, पता है मुझे आपको माँ की आखिरी निशानी है, फिर भी मैं आपको लौटा दूँगी कल वापस। ये तो आप बुरा ना माने दीदी, आपको इसे नहीं देना है तो मत दीजिए, ये सब मुझे नहीं दिखाइए, मुझे नहीं चाहिए ये सब, ठीक है ना? अभी मैं मम्मी को बताती हूँ। मम्मी जी चाय। बहू एक चाय में पीनी है, पता नहीं है तुम्हें, तुम मुझे सुबह काल बीमारी है, मैं पीनी नहीं खाती हूँ। मम्मी जी मैंने तो बिना चीनी वाला है। मम्मी ये जानबूझ के भाभी आपको ये सब दे रही है, पता है आपको मारना चाहती है। क्या ना चाहती है? मम्मी ये ना भाभी ना आजकल देख रही हूँ रंग हम बदले हुए लग रहे हैं आपके, जब से गहने देखी है ना भाभी, तब से आपसे और मुझसे ऐसा ही बर्ताव कर रही है। ये आपको मारना चाहती है मम्मी? ये मेरी मम्मी को मारना चाहती हूँ क्या भाभी? हाँ मेरी मम्मी, पता है आपको कि मम्मी को डायबिटीज है, चीनी वाली चाय नहीं पीती, फिर भी आपने चीनी वाली चाय दे दी, ये क्या बात है? इतने सालों से रह रही हूँ आपको पता नहीं है? ये लो पकड़ो यार, ये मैंने इसमें बिना चीनी की चाय बनाया था, पता नहीं शायद गलती से चीनी डल गया होगा, मैं दूसरा चाय बना कर लाती हूँ मम्मी जी। बहू बहू कहाँ हो तुम, इधर आओ। जी मम्मी जी। लो मेरे पुरखो पुरनिया के निशानी है, लो ये पहनना, तुम कल पूजा करो। हाँ रख लीजिए, मैं नहीं पहन सकती क्योंकि ये कहीं गुम वुम हो गया तो आपकी खतानी है, तो नहीं मम्मी जी मैं नहीं रखूँगी। लो कल पूजा पहनना, नहीं ठीक है मम्मी जी, तो मैं कल यही पहनूंगी और अच्छे से इसे संभाल के रखूंगी, फिर मैं आपको वापस। मम्मी भाभी के लिए इतने बड़े छुट्टियाँ, मेरे लिए मेरे लिए आप रखते ही नहीं हो। क्या प्यार नहीं करते? अरे तुम्हें बहुत प्यार करते, बढ़िया रखते बहुत है ना, भारी देना पड़ेगा ना ये मुझे पसंद नहीं लग रहा है। आपको भाभी को इतने सुंदर वाले झुमके दे दिया, मुझे दे रही है ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं पसंद। आप ऐसे ही करते हो मुझे और भाभी, भाभी को आप मतलब इतने चढ़ा रखते हो, सब चीज़ भाभी के लिए करते हो, तो आपकी बेटी हुई आती तो आप ऐसे करते हो, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मेरा शादी में तो दिए थे ना बड़े वाला झुमका, वो क्या करें? बस शादी में दे दिए, बस वही हो गया, भाभी भी तो शादी में भी दिए थे फिर अभी भी दे दिए। क्या करें मम्मी, ये लोग तो ना क्या करें, इसका बात नहीं होता। ठीक है तो ये मुझे क्या है, ये नहीं भाभी ने क्या कहा कि ये अभी हम लोग डाल दो डाल दो। इसे मैं अलमारी में अच्छे से रख दे रही हूँ, कल पूजा में यही पहनूंगी।
यहाँ छुपा कर रखी है, अभी मैं इसे लेके जाती हूँ, पर देखती हूँ कैसे पहनती है ये पूजा में। मुझे मम्मी ना देकर भाभी को दे दी। सारे काम खत्म हो गए, अब जा रही हूँ सोने। कल पूजा की तैयारी भी करनी है, जल्दी उठना है, तभी मैं सो लेती हूँ। और मम्मी जी ने एक बार वो झुमका देख ले रही हूँ, मम्मी जी ने जो दिया था अच्छे से रखी हूँ कि नहीं देख ले रही हूँ, कल सुबह पहनना है। अरे झुमका क्या हो गया, यहीं पर तो रखा था मैंने, कहाँ चला गया, क्या हो गया? मम्मी जी आपकी चाय। क्यों रो रही हो, तुम्हारा आँख क्यों लाल हुआ है? हाँ इसलिए रो रही हो। मम्मी जी आपसे एक बात करनी थी। क्यों रो रहे, बता मुझे। मम्मी जी कल रात को जब सोते थे मैंने वो कान के झुमके देखे ना, तो नहीं थे घर पे, और मैंने बहुत अलमारी में ढूंढना पर नहीं मिला मुझे। मैं कल अलमारी में ही रखी थी, पर ढूंढ रही हूँ पर मिला नहीं। मम्मी जी पता नहीं कहाँ गुम हो गए। झुमका खो गया है? वो तो मेरा पूछा ही नहीं, झुमका था कहाँ खो गया? जा अपना कमरा में ढूंढो, अपने कमरा में देखो कहाँ में है। अरे मम्मी मायके में मायके ले जाने के लिए रखी होगी। नहीं नहीं दीदी, मैंने नहीं छुपाया है, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने नहीं छुपाया है। हाँ हाँ पता है आपने। नहीं नहीं मम्मी जी मैंने नहीं छुपाया है, मैं तो संभाल के रखी थी, पता नहीं क्या हो गया, मुझे पता है। अच्छा तुम चुप रहो, बिल्कुल मत बोलो। अरे मम्मी आपको पता नहीं मैंने बोला था ना इनको मत तो इसमें घर वाले झुमके, आपने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। हमको क्या मालूम कि झुमका करेगा हो जाएगा। खोया नहीं है, कोई खोया वाया नहीं है, भाभी ने ही रखा है। छुपा के रखी है किस लिए? अपने घर ले जाने के लिए, मायके ले जाने के लिए, और क्या करेंगे। मैं क्यों ले जाऊंगी अपने मायके में, अपने ससुराल के समान मायके क्यों ले जाऊंगी, ये भी तो मेरा घर है ना, मैं क्यों ऐसा करूंगी। नहीं मम्मी जी मैंने नहीं छुपाया। और दूर जाओ, देखो जा बाजार को मिल जाएगा। पता है भाभी ना आजकल बहुत बदली बदली सी लग रही है, अपने मायके दिन पर फोन पे बात। अरे मम्मी देखो, मम्मी मेरी अलमारी क्यों खोल रही हो, क्या है इसमें? मम्मी वो मेरा सामान है, मेरा नहीं है ना। अरे मम्मी मेरा ये सामान है, आप छोड़ दो, ये मेरा नहीं है। नहीं मम्मी मेरा है, इसमें मेरा सामान है ना, मेरा कुछ। बहू इधर आओ। अरे मम्मी ये मेरा सामान है, आप क्यों हाथ लगा रहे हो, मेरे अपने सामान है। जल्दी आओ बहू, जल्दी आओ, कहाँ है तू? क्या हुआ मम्मी जी, इतना आप शोर क्यों मचा रही हैं? और ये दीदी ने कहा इधर आओ, इधर आओ, देखो तुम्हारा झुमका। झुमके? हाँ ये तो मेरे लिए झुमके आपने जो दिए थे। अब तुम्हारा झुमका यही रखी है, मेरे बहू को इंजाम लगा रही थी, तुम क्यों झुमका ले रही थी? हाँ मेरे बहू को इंजाम लगा रही थी, विश्वास तुम क्यों रही थी? दीदी ने रखे थे। झुमका चोरी कर ली, अब कभी नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं छोड़ेगी। ऐसे काम करती, ऐसे बुरा काम कर रही, ऐसे करेगी फिर करेगी। मेरे बहुत इंजाम लगा रही थी कि चीनी डाली है, तुम सब डालिए, चीनी डालिए मेरे चाँद में, झुमका चोरी डाली, मेरे बहुत इंजाम लगा रही है। तुम्हारा ससुराल वाला उसीलिए यहाँ पर भेजे हैं, या तुम यहाँ पर तुम ऐसे वहाँ पर चोरी करती हो क्या? नहीं मम्मी मैं ऐसे दोबारा गलती नहीं करूँगी, माफ करना मम्मी। नहीं नहीं मैं मास्क लगा मैं फोन मरी लगाती हूँ, दमा दी आके लिया गए यहाँ पर तुम्हारा नहीं जाओ। मेरे बहू के इतना एग्जाम लगा रही हो, तुम खुद मुझे मारना चाहती हो। नहीं करूँगी मम्मी, तुम्हारा भाभी है ना, तो जो खा रहे हो भाभी है, नहीं तो तुम्हें कराना चाहिए। आज के बाद
तुमको जो जो झुमका चाहिए तुम मुझको बोलो, मैं दूसरा झुमका बनवा के दूंगी। ऐसा गलती फिर मत करना। मम्मी थोड़ा मन में लालच आ गया था, भाभी माफ करो भाभी, कभी ऐसा नहीं करूँ। जानिए लालच बुरा चीज है, लाल कभी नहीं करना चाहिए। भाभी से अपनी माफी मांगो, मुझे माफ करने से क्या होगा, भाभी से मांगो, भैया उससे मांगो माफी मांगना। अब वो लोग तो बहुत मर है, जब मेरा जाना चला तो तुम चल नहीं हो, ऐसा तो ही लोग का है। भाभी से माफी मांगो, ऐसा दोबारा कभी मत करना।